समय 4.3 है, करें निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तीन का दो नंबर है, तीन का कितना है दो नंबर। तीन का तीन क्वेश्चन नंबर तीन में आप लोगों का पार्ट दो था, तो पहले का पार्ट तो हो गया, तीन का दो सौ का पार्ट है, ठीक है। तो कह रहा है एक बटा एक्स प्लस चार माइनस का एक बटा एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू ग्यारह बटा तीस। कह रहा है एक्स का बराबर नहीं है ना चार माइनस ना चार ना सात, ये बराबर में नहीं है एक्स का मान, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण ये दिया है, इसको समीकरण का अभ्यक्त करना होगा, क्योंकि बाटा में तो बाटा को इसको हटाना होगा। तो बाटा हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हल करते हैं, इसको हल कर लें, तरीका सा बड़का होगा, ठीक है। मतलब बनाइए x प्लस फोर माइनस के एक्स माइनस सेवन इक्वल टू ग्यारह बटा तीस, दे दिया क्वेश्चन। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि बाटा का जोड़ आप लोग बनाते हैं उस तरह इसको भी बनाना है, तो दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम यानी एक्स और इसका एलसीएम तो हो जाएगा एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, एलसीएम निकल गया दोनों का, दोनों का एलसीएम निकाल दिए। अब इसमें देखिए एलसीएम निकल गया, तो हम क्या करते हैं इसमें इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो बचा कितना एक्स माइनस सात हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे यहाँ होते हैं एक्स माइनस सात, बीच में माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस में माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होता है तो यहाँ पे जाएगा एक्स माइनस का फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस का फोर, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर ग्यारह बटा तीस हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग, अब यह तो हो गया हम लोग ग्यारह बटा तीस। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसी टर्म देखिए यहाँ पे एक से एक्स कट जाएगा, अब यहाँ पे सात माइनस के माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो कितना सात से कितना जाएगा ग्यारह, तो हो जाएगा माइनस के ग्यारह, हो जाएगा ना माइनस के ग्यारह। अब नीचे आ जाएगा इसका एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सात इजकल टू ग्यारह बटा तीस, ठीक है। अब देखिए माइनस के ग्यारह है यहाँ पे ग्यारह, तो ग्यारह का में ग्यारह, ग्यारह का में ग्यारह, एक से कट जाएगा दोनों में एक आएगा, तो माइनस के एक प्लस का एक, चलिए माइनस का एक, आप देखिए माइनस का एक इसमें इसमें गुना कर दी जाएगा तो और अच्छा रहेगा, मतलब चलिए अब बनू करेंगे एक्स प्लस फोर यहाँ पे एक्स माइनस सेवन, ठीक है, बराबर माइनस का एक प्लस का एक बटा तीन, समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे दो टर्न यह बनना बच रहा है, यहाँ पर देखिए जब यह टर्न बच रहा है तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना कर सकते हैं इसको यहाँ पे कर सकते हैं एक्स में, देखिए इधर लेते हैं वन माइनस का वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स से दूसरा में गुना होगा तो एक्स में एक से गुना एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा सात एक्स, कितना जाएगा सात एक्स, इसका तो हो गया इसका करेंगे तो प्लस में प्लस में प्लस और चार एक्स यहाँ जाएगा प्लस के चार एक्स, देखिए प्लस चार एक्स हो गया और प्लस चार एक्स। अब यहाँ देखिए चार में एक्स ना चार एक्स और प्लस माइनस माइनस सच होगा अट्ठाईस, चलेगा माइनस के अट्ठाईस बराबर एक बटा कितना तीस, यही ना आया था हम लोग का, चलिए यह तो हो गया। अब देखिए यहाँ जो आ रहा है तो इसको क्या करें तीरिया गुना करेंगे, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तीरिया गुना करेंगे इसको, जगह इधर नहीं ले लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीरिया गुना करने पर तीरिया गुना करना है, अब दोनों को तीरिया गुना करेंगे तो 30 में एक से गुना होगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, और इसमें से गुना करते हैं देखिए इसमें से गुना करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के सात एक्स प्लस का फोर एक्स और माइनस के अट्ठाईस अब बराबर माइनस के 30 हो जाएगा, गुना करेंगे हो जाएगा ना, समझ में आ रहा तीरिया गुना करने पर। अब देखिए इसको देखिए इसमें 30 इसको गुना किया प्लस का था प्लस का सब आ गया और इसमें गुना करता माइनस का 30 गुना करने पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब इसको इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के देखिए इसको जोड़ घटाया जुड़ जाएगा, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो यह जाएगा माइनस के थ्री एक्स यहाँ पर जाएगा माइनस के अट्ठाईस इजकल टू माइनस के तीस। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस के अट्ठाईस इधर आएगा तो प्लस का जाएगा तीस इजकल टू जीरो। अब यह होगा द्विघात समीकरण, क्या हो गया दिया अब जीरो जब आ गया तो सब ये क्या है द्विघात समीकरण है। अब यह द्विघात समीकरण में हो गया, इसमें कुछ कंडीशन यहाँ पर लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स, अब देखिए प्लस माइनस माइनस